देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रह्मा कुमारीज ने दी सफलता की बधाई। देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ब्रह्मा कुमारी संस्था की भाई बहनों ने मुलाकात कर बधाई दी। उनके आवास पर हुई मुलाकात में ओआरसी की निदेशिका वीके आशा ने तिलक लगाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर उन्हें देश के सर्वोच्च पद का आसीन होने पर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही ओडिशा के ब्रह्मा कुमारीज मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके नाथमल, दिल्ली बसंत विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके खीरा ने उन्हें बारी बारी से गुलदस्ता भेंट कर तथा शॉल ओढ़ाकर इस सफलता के लिए सम्मानित किया। तकरीबन 15 मिनट की मुलाकात में आध्यात्मिक उन्नति के साथ संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत सभी वरिष्ठ सदस्यों की भी याद प्यार दी गई तथा शीघ्र ही माउंट आबू आने का भी निमंत्रण दिया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी इसके शिक्षा प्रभाग की बीके लीना तथा बीके विकास भी उपस्थित रहे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं की दी जानकारी। यूपी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से आगरा के आर्ट गैलरी म्यूजियम की बीके मधु, बीके संगीता और बीके सूरजमुखी ने मुलाकात की और संस्था द्वारा अमृत महोत्सव के तहत विश्व भर में चल रही सेवाओं से अवगत कराया, जिसे देखकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही बहनों ने उन्हें ईश्वरीय साहित्य भेंट किया। पालमपुर में ब्रह्मा कुमारीज के पुन्नीर में विद्वान एवं संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की कई संस्थाओं के संत उपस्थित हुए। सम्मेलन में रामकृष्ण आश्रम अन्नपूर्णा मंदिर के अध्यक्ष श्री श्री 1008 महंत राम मोहनदास, सीताराम जी आश्रम उतराला के गोपीलाल नंद सरस्वती, हरिद्वार जूना अखाड़ा से भुवनेश गिरी महाराज मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी संतों ने कहा कि हम एक ही पिता के बच्चे हैं और एकजुट होकर परमात्मा के कार्य में लगे हैं। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की जमकर सराहना भी की। मानवता के मूल सिद्धांतों पर जीने के लिए अध्यात्म की राह वैसी ही जरूरी है जैसे जीवन में रोटी से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। धर्म से ही रोग की निवारण हो जाता है, धर्म से ही विजय की प्राप्ति होती है। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। सेवा केंद्रों पर 20 संतों का आगमन अपने आप में खास बात थी, जिसमें बीके प्रेम ने तो सभी संतों का आभार व्यक्त किया और जन समूह को अपना आशीर्वाद दिया। वसुधैव कुटुंबकम पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है, तो इसी विश्वविद्यालय में ये आत्म ज्ञान दिया जाता है कि सबके अंदर एक चेतना है, सबके अंदर एक आत्मा है और हम उस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हैदराबाद के शांति सरोवर में तेलुगु सॉन्ग्स को संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप और पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेमलता ने अपने हस्त कमलों से रिलीज किया, जो कि सुप्रसिद्ध गायक हरीश मोयल की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस तेलुगु सॉन्ग्स की गायिका बीके विष्णु प्रिया है, जो कि शांति सरोवर में एक राजयोग शिक्षिका है। महादेवुడే పతి నన్నేలు కోవటం। जीवन को तनाव मुक्त बनाने की प्रेरणा देने के लिए दार्जिलिंग सेवा केंद्र में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें बीके रोहित मुख्य वक्ता रहे। इस दौरान प्रभारी बीके मुना, समाज सेवक खगेन सुब्बाजू, प्रेरणा पब्लिकेशन के साहित्यकार कृष्ण प्रधान और नगर पालिका अध्यक्ष रितेश पोतेल ने सभी से कार्यक्रम का लाभ लेने की बात कही, जिसके बाद RKSP स्कूल के शिक्षक अजय थापा समेत अनेक लोगों ने अपने अनुभव से बताया कि उन्हें कार्यक्रम से बहुत लाभ मिला। प्रशासक सेवा प्रभाग अभियान के भरतपुर पहुंचने पर जिला कलेक्टर सभागार में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता विषय पर मध्य प्रदेश में प्रभाग की कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर रीना, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश समेत अनेक अभियान यात्रियों ने कई उदाहरणों द्वारा बताया कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां होते हुए भी हम सकारात्मकता द्वारा कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। आगे बीके प्रवीणा ने सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। मौके पर AO पंकज, कलेक्टर समरवीर नाजिर समेत अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भरतपुर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके कविता ने सेवा केंद्र पर सभी अभियान यात्रियों का सम्मान किया। एक अच्छी सफलता शांत मन पर निर्भर करती है, ये बात इंदौर से आए बीके नारायण ने अलीराजपुर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। वही स्कूल के प्राचार्य पुष्पेंद्र बागेला ने बताया कि बच्चों की सफलता और पढ़ाई में राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंत में बीके ज्योति ने राज्यों का अभ्यास भी कराया।
आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।